बेंगलुरु अयंगर बेकरी में इस तरीके से तैयार होता है सॉल्टी कुकीज बिस्किट, जिसे बनाने का तरीका इस वीडियो में हमने एकदम सरलता से बताया है। वीडियो मात्र 5 मिनट का है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इसको सरलता से घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बनेंगे सॉल्ट बिस्किट, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्हाइट डालडा कितना है ये इनका, 1 kg बंद हो रहे 1200 एक किलो 250 ग्राम डालडा ये मशीन के अंदर डाला जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया गया है। और भी इसके अंदर दूसरी आइटम आएगी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आइसिंग शुगर डाला जा रहा है, तीन सौ ग्राम। इसके बाद में ये मिल्क पाउडर 100 ग्राम 200 ग्राम मिल्क पाउडर, 150 ग्राम कस्टर्ड पाउडर आएगा, और 100 ग्राम के करीब इसके अंदर घी ऐड हो रहा है। ये यहाँ पर नमक ऐड किया जा रहा है 70 ग्राम। तो पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दिया गया है। अब इसको और वो जो डालडा डाला है सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैदा लिया जा रहा है, जो 2 किलो मैदा लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर दूध ऐड किया जा रहा है, देखिए 250 ml। यहाँ पर देखिए पूरा मिश्रण मिक्स हो गया है। दो से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है मशीन के अंदर, तब जाके अच्छे से फैलता है और इसका टेक्सचर अच्छे से आता है। मैदा भी इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है। सॉल्टी बिस्किट के लिए पूरा मिश्रण यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया है। अब यहाँ पर जो है बिस्किट को डिजाइन किया जाएगा। सॉल्ट बिस्किट के लिए इस तरीके से पहले रोल कर रहे, देखिए राउंड करेगा। ग्लास प्लास्टिक ग्लास ಇರಬೇಕು ನೋಡು। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे राउंड किया गया है। सॉल्ट बिस्किट को इस ट्रे के अंदर ऐसे सेट करेंगे और फिर इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे ताकि इसकी डिजाइन होगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। ये देखिए तो ऐसे ही इसको पूरा डिजाइन कर देते हैं, फिर इसको हम पकाने के लिए भट्टी के अंदर रखेंगे। तो ये सॉल्टी बिस्किट है, इसको अभी यहाँ पर हम भट्टी के अंदर पकाने के लिए रखेंगे। और ये सॉल्टी बिस्किट 15 मिनट के अंदर पककर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्टी बिस्किट 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। भट्टी को जो है हीट इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट करके रखे जाते हैं, तो ये बहुत ही सरलता से पक जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी भट्टी नहीं है तो आप घर पर जो ओवन होता है, जो पिज़्ज़ा वगैरह हम बनाते हैं, उसके अंदर भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। टेम्परेचर आपको कितना रखना है वो हमने आपको वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर हमारी सॉल्टी कुकीज़ बिस्किट बनकर तैयार, एकदम शानदार, एक जैसा कलर और कुरकुरे क्रंची बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और भी अलग अलग कुकीज़ की रेसिपी अब आगे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।